सीसीएस यूनिवर्सिटी की डेट शीट आ गई है, आप सबको पता है। उसके लिए हमने दो वीडियो डाल रखी है। एक वीडियो में तो टोटल हमने प्रोसीजर बताया है कैसे देखें और किस तरीके से क्या कुछ है वो सारा बताया। दूसरी वीडियो में हमने उस डेट शीट का रिव्यू किया जिसमें हमने बताया कि उस डेट शीट में बच्चों को क्या क्या दिक्कत आ रही है, कोड वगैरह के कैसे मिल रहे हैं कैसे नहीं, वो सारी चीजें हमने उस वीडियो में क्लियर करी। इसके अलावा बच्चों का सवाल ये भी था कि वाइवा को लेके सवाल था कि वाइवा प्राइवेट का होगा रेगुलर का होगा। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस नहीं करा था, तो वाइवा भाई प्राइवेट का भी होता है और वाइवा होगा या नहीं इसके लिए कैसे पता करें, तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस एडमिट कार्ड पे सारे सब्जेक्ट के नीचे लिखा रहेगा कि वाइवा का कोड ये है, अगर लिख रहा है तो वाइवा होगा, अदरवाइज वाइवा नहीं होने का। और वाइवा कौन से सब्जेक्ट का होगा, तो अगर सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसमें तो उस सब्जेक्ट का होगा, नहीं तो फिर सभी सब्जेक्ट में से कुछ भी पूछ लेते हैं वो एग्जामिनर के ऊपर है, ठीक है। और वाइवा के लिए आपके टीचर बेटर बता पाएंगे कि क्या क्या पूछते हैं क्या क्या नहीं, बाकी आपकी जो क्लास वगैरह है जो भी पढ़ाते हैं उसमें से होना चाहिए, ठीक है। और एडमिट कार्ड के लिए कुछ सवाल आ रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो 15 तारीख से पेपर शुरू है। अब चाहे तो आपका पेपर 15 का ही है और चाहे आपका पेपर 20 का है, एडमिट कार्ड आपके 15 तारीख से 2 या 3 दिन पहले आ जाएंगे, मतलब 12 तारीख या 13 तारीख को फाइनल मान के चलो कि एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे। अभी बीए वगैरह के जो एग्जाम फॉर्म है वो भी शुरू हो गए, 10 तारीख लास्ट डेट है और 15 तारीख की कॉलेज में जमा करने की लास्ट डेट है। जो अभी तक फर्स्ट ईयर के फॉर्म भरे जा रहे थे प्राइवेट वाले, और एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे थे रेगुलर के और प्राइवेट भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे थे, और वो सब की लास्ट डेट हो गई, कल लास्ट डेट थी उनकी। लास्ट डेट बढ़ने के बाद 23 तारीख थी, मतलब पहले 16 थी, 500 रुपये पेनल्टी के साथ 23 तारीख थी, और जितने फॉर्म अब तक भरे गए उनको 25 तारीख अंतिम तिथि है कॉलेज में जमा करने की, ठीक है। तो ये सब चीजें थी जो हाईलाइट है अभी तक की अपडेट की, बाकी जितनी जरूरी अपडेट आपको देते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है, अच्छा एक चीज तो ये है कि स्कीम के बारे में आपको क्या लगता है कि स्कीम मतलब कैसी है कैसी नहीं है, वो चीज आप कमेंट में बताना, जिससे बाकी बच्चे भी परेशान हो रहे हैं जिनको कोड वगैरह नहीं मिल रहा है। तो अगर आपका भी कोड नहीं मिल रहा है और दूसरे बच्चे को कोड वही नहीं मिल रहा है, तो वो कमेंट वगैरह कर देंगे, लाइक कर देंगे आपका कमेंट को, जिससे वो ऊपर आएगा और हम उस पर एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। और जो एक चीज और थी जिसके लिए हम सोच रहे थे कि कॉलेज में जाके एक टीचर से बात करें, हाँ एक चीज ये थी कि डाउट ये हो रहा है कि आप लोग पूछ रहे हो कि ये ऑप्शनल होगा या फिर थ्योरिटिकल रहेगा। देखो हमें इस चीज की ज्यादा जानकारी नहीं है एग्जाम की, कि भाई वैसे हमने बस ये सुना है कि जो फाइनल ईयर होता है उसमें ऑप्शनल होते हैं पेपर, लेकिन ऐसे एक्यूरेट नहीं है हम अपने आंसर पे। तो हम सोच रहे थे कि किसी कॉलेज में जाके टीचर से बात करें, ठीक है। तो इसके लिए भी हम अगर हो सकेगा तो 1 या 2 दिन में अरेंजमेंट करके देखते हैं, कोशिश करते हैं। और बाकी बस यही है अपडेट, जितने अपडेट थी आपको बता दी हमने और आपको लास्ट डेट के लिए बता दिया। काफी बच्चों के आज भी हमें मैसेज आए कि भाई मैं बीए सेकेंडर का बैक फॉर्म भर रहा हूँ, कितने रुपए फीस है। हमने उसको बताया कि भाई लास्ट डेट तो हो चुकी है, कि बढ़ेगी या नहीं, तो भाई बढ़ने की संभावना नहीं है, 15 तारीख से आपके पेपर शुरू हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल अपडेट है, अगर कोई भी अपडेट आएगी जरूरी अपडेट आपको तुरंत टाइम से सूचित कर देंगे। कोई सवाल हो तो कमेंट करना, डिस्क्रिप्शन में कुछ जरूरी सोशल नेटवर्क की लिंक है उसे जाके आप फॉलो कर लेना, क्योंकि जितने भी जरूरी अपडेट होती है वहां पे आपको रेगुलर मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो ये भाई अपडेट थी, कोई सवाल हो कमेंट करना।